शुरुआत गौरव भाटिया जी आपसे ही कर लेते हैं। आप G20 और चंद्रयान 3 की उपलब्धियां गिना रहे थे, इसके साथ ही और भी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई, लेकिन बार बार विपक्ष की ओर से सरकार के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से राज्यसभा में तो ये कह दिया गया कि आप बीते 70 सालों में पूछते हैं कि क्या किया हम लोगों ने, तो हमने लोकतंत्र को बचाने का काम किया है जो मौजूदा सरकार नहीं करती है, ये आरोप आप पर लगाए गए हैं। इस पर क्या है प्रतिक्रिया गौरव भाटिया जी? चित्रा जी, विपक्ष ने क्या कहा, आलोचना करी, सरकार को घेरने का प्रयास किया, इस पे बात पे आएंगे। पहले जो बड़ी बात है, आज एक भावुक पल था हर भारतीय के लिए, और जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पर भाषण दिया तो उन्होंने जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी को याद किया, उनका वो भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जब भारत को आजादी मिली थी जी, और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जब अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश आगे जाना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया गया, इंदिरा गांधी को याद किया गया। मैं समझता हूं ये एक स्वर्णिम पल था हमारे लोकतंत्र के लिए जी। स्वर्णिम इसलिए था क्योंकि आज जो हम सत्ता में हैं, हमारी जो योगदान है, नरेंद्र मोदी जी ने बताया किस तरह से चंद्रयान 3 सफल हुआ, G20 की जो अध्यक्षता करी है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है वो, जैसे बांग्लादेश बना वो, तो ये दिखाता है कि हर व्यक्ति और हर दल की भूमिका भारत को मजबूत लोकतंत्र बनाने में रही है। मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि आप याद करिए जब ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था तो स्पेशल सेशन बुलाने पे विपक्ष कह रहा था कि इसकी जरूरत क्या है जी। लेकिन हमें समझना होगा कि 75 वर्ष आजादी के और उसके बाद एक नई जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट की वो हमें मिली है, ठीक है, लेकिन कुछ यादें हर व्यक्ति हर दल की है, और मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी ने आज गागर में सागर भर दिया अपने शब्दों से, हमने देखा कैसे वो भावुक भी हो गए थे जी। दूसरी बात एक और मैं उठाना चाहूंगा, देखिए चित्रा जी, आज जो विपक्ष कहता था कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो आपने देखा एक सकारात्मक चर्चा कैसे हो सकती है। जरूरी नहीं है कि माइक तोड़े जाएं, डेस्क पे खड़ा हुआ जाए, अध्यक्ष के ऊपर कागज और फाइल फेंके जाए ना, आज माइक कोई बंद हुए, जो गलत आरोप पहले लगाए जाते थे पूरा समय दिया गया, खड़गे जी बोले राज्यसभा में, अधीर रंजन चौधरी जी बोले लोकसभा में, ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र जीवित भी है और मजबूत भी है, ठीक है। और राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, ठीक है। वारिस पठान जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, गागर में सागर भरने का काम प्रधानमंत्री ने आज अपने शब्दों में किया है, 75 साल की उपलब्धियों में पंडित नेहरू से लेकर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह, तमाम प्रधानमंत्रियों के नाम लिए और ये कहा कि लोकतंत्र अगर आज मजबूत है और हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है तो सभी का योगदान है इसमें। तो आज पीएम का भाषण अच्छा लगा और आज तो किसी का माइक भी बंद नहीं हुआ, जैसा कि गौरव भाटिया जी बता रहे हैं, और स्वस्थ लोकतंत्र में बहस कैसे हो सकती है, बातचीत कैसे रखी जा सकती है, उसका आज उदाहरण पुरानी संसद के आखिरी दिन देखने को मिला है। पठान साहब, देखिए चित्रा जी, पिछले एक महीने से लगभग हम सुन रहे हैं कि स्पेशल सेशन रखा गया 18 तारीख से 22 तारीख तक, फिर उसके अंदर बीच में कुछ बात आई कि शायद वन नेशन वन पुल की बात होगी सोर्सेस के थ्रू, उसके बाद पता चला कि इंडिया को भारत कर देगा, फिर पता चला यूनिफॉर्म खत्म चेंज करने वाले, आज प्रधानमंत्री ने वहां कर आके बात करी G20 के ऊपर, प्रधानमंत्री ने 70 साल 75 साल का जो कुछ था पार्लियामेंट का सब कुछ बता दिया। मगर मुझे हैरानी एक बात की ये हो रही है चित्रा जी, चार दिन पहले अनंतनाग रजौरी के अंदर हमारे 3 जवान शहीद कर दिए गए, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया, जिसमें कर्नल था एक मेजर था। जब पुलवामा का अटैक हुआ था प्रधानमंत्री मोदी ने लाल आंख दिखाई थी, हम ये कर देंगे, 56 इंच का सीना दिखा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन आज इतने बड़े भाषण के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी एक 30 सेकंड के लिए उन हमारे जवान जो शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि या तो अल्फाज कंडेमनेशन के कर दिए होते तो क्या जाता, उसके ऊपर नहीं किए। बात नंबर दो, हम पहले से कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत के अंदर घुस चुका है, उसके लिए आप एक 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाइए, उस पर चर्चा की जाए,
प्रधानमंत्री जी 5 दिन का सेशन बुला लेकिन उसपे चर्चा करने को तैयार नहीं है। चीन के सामने 56 इंच ठंडा पड़ जाता है, लाल आग ठंडी पड़ जाती है, तो 5 दिन के सदन के अंदर करेंगे क्या? इन्होंने कहा पहले क्वेश्चन आवर नहीं होगा, फिर कहा जीरो आवर नहीं होगा, अब प्रधानमंत्री ने आके अपनी यह पे बात रख दी। अब नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने वाला, अच्छा नया बिल्डिंग करिए आप, लेकिन बिल्डिंग बनाए के अंदर मुद्दे कौन से उठाएंगे ये तो बताइए। क्या हमारे जो देश के जवान शहीद हो गए उनके बारे में एक अल्फाज कंडेमनेशन का किया जाएगा? उनकी डेथ के ऊपर क्या 2 अल्फाज बोले जाएंगे? क्या चीन के ऊपर वहां पर बात की जाएगी? क्या वहां पर बेरोजगारी महंगाई जो बढ़ती जा रही है देश में, क्या उसके ऊपर कोई बात होगी? तब जाके फायदा होगा ना जवाब ले लेते हैं, वरना फायदा क्या होगा? सिर्फ अपने नाम के ढोल बजाओ, अपनी तारीफ, एक चाय वाला स्टेशन से यहां तक पहुंच गया, ये हो गया, अरे सब तो पिक्चर क्या कब तक दिखाएंगे? वो दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन बोल रहा था पुनीता में आज इतना बड़ा बिल्डर बन गया, पिक्चर डायलॉग नहीं चलेगा, काम एक्शन का टाइम है यहाँ पर। ओके गौरव भाटिया जी, इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी मैं। देखिए ऐसा है, मैं तो इंतजार कर रहा था कि ओवैसी जी से सीखते हुए मुस्लिमीन पार्टी के प्रवक्ता ये बताएंगे कि जो 4 जवान जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है हमारे देश के लिए, उसमें कितने हिंदू थे कितने मुसलमान थे, क्योंकि ये राजनीतिक गिद्ध जो है इनकी तो आदत है। मेरे हाथ पे देखिए एक न्यूज है आप ही के चैनल की, उसमें ओवैसी जी ने ये कहा है 7 मरे उसमें 5 कश्मीरी मुसलमान कहा गए वफादारी पर शक करने वाले हैं। तो ये लोग तो वो राजनीतिक गिद्ध है जो लाशों का धर्म ढूंढ लेते हैं। और चित्रा जी हमारी वीर सेना को सलाम है जिन्होंने धराशायी किया उन आतंकियों को, जिसने बुरी नजर देखी हमारे जवानों की तरफ, और पूरा देश प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी और भाजपा और हर नागरिक खड़ा हुआ है ये जो शहीद हुए हमारे भाई उनके परिवारों के साथ। लेकिन ओछी घटिया राजनीति अगर रजाकार करेंगे तो दिक्कत होगी। आज जो चर्चा का मुद्दा है वो ये है कि जो स्पेशल सेशन आया है, वो स्पेशल सेशन में AIMIM केवल हिंदू मुस्लिम देख पाई और कोई कुछ वक्तव्य देने के लिए इनके पास नहीं था। 3 जवान शहीद हो गए ना देश के, उसके ऊपर तो अल्फाज नहीं है आपके मुंह में कि आप उनके लिए ये बोलो 2 अल्फाज। नाम एक का बताओ, चलो चुनौती देता हूँ, एक का नाम बताओ, एक का नाम क्या जाता था, एक का नाम बताओ, चित्रा जी पूछिए नाम बताइए, चलिए क्या क्या आपने खाली नाम बताओ, इधर उधर की बात नहीं, बीजेपी को नहीं मिला था। हम तो कह रहे हैं उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, रखेंगे एक एक करके। अच्छा एक सवाल है मेरा, एक 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 सैनिक का नाम बताओ, एक सैनिक का नाम बताओ, नहीं पता देखा मैं, तो मेरे देश बातें कर रहा हूँ ना, तीनों एक कर्नल था, एक मेजर था, हमारा सिपाही था। अरे तुम्हें एक का नाम नहीं पता है, बोलते तो क्या मुझे अफसोस है कि हमारे 3 जवान शहीद हो गए? नहीं नाम तो बहुत है, आपको अल्फाज नहीं, उसमें डेप्यूटी एसपी हुमायूं भट्ट है, मेजर आशीष है, कर्नल मनप्रीत सिंह है, तुम्हें पता ही नहीं शहीद हो गए तीन, और आपको जीवनी का ताव वावाई सुनने की जरूरत है? मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, एक सेकंड दोनों ही लोगों से गुजारिश है, दोनों ही लोगों से गुजारिश है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं मुझे लगता है कि जिस पर सियासत से बचना चाहिए, ठीक है, उनमें से सेना की जवान हमारे एक हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण, उस पर किसी भी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए।